मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के दरमियान स्कूल बंद थे, मगर स्कूल के तरफ से अब पेरेंट्स से फीस मांगे जा रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान सरकार के तरफ से कहा गया था कि इस लॉकडाउन में आप फीस नहीं मांग सकते हैं, बल्कि फीस लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस्तों में दे सकते हैं, मगर पेरेंट्स का अब आरोप है कि स्कूल फीस के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। मुंब्रा खड़ी मशीन रोड पर स्थित सेंट मैरी स्कूल के बाहर पेरेंट्स इकट्ठा होकर फीस मांगे जाने पर एतराज़ जता रहे थे। इस लॉकडाउन में वो फीस कैसे जमा करें और स्कूल उन पर फीस जमा करने को लेकर उन पर दबाव बना रही है, ऐसा पेरेंट्स का आरोप है। इसी तरह की बात मिलेनियम के पास मून स्टार ग्लोबल स्कूल में शिकायत सामने आई, मगर मून स्टार स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट असगरी पठान इस मसले पर सामने आई और अपनी बात उन्होंने रखी। स्कूल के तरफ से जानकारी दी गई कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, अपनी फीस किस्तों में धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। असगरी पठान ने क्या कहा है हम आपको ये सुनाएंगे, मगर सेंट मैरी स्कूल पर फीस के लिए जो पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे उन्होंने क्या कहा है हम वो भी आपको सुनाएंगे। मगर ये भी आपको बता दें कि जिस वक्त ये पेरेंट्स सेंट मैरी स्कूल के पास जमा हुए थे उस वक्त स्कूल का स्टाफ मैनेजमेंट मौजूद नहीं था, इस पर हमने उनसे बात नहीं कर पाई और उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी हम आपको भी बताएंगे। मगर सबसे पहले सुने कि क्या कहा है फीस को लेकर पेरेंट्स ने। सर, इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट ने जो बातें बोली है हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है। हमने जो पेरेंट आए हैं मार्च अप्रैल मई का फीस जो खुद से भरना चाह रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं आप भरिए। हम अपने तरफ से उनको हर चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको बुक्स भी दिया है, हमने 10 जून से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट की फीस बाकी है वो पेरेंट को भी हमने वो बच्चे को उस ग्रुप में ऐड नहीं किया। हमने सारे बच्चों को ग्रुप में ऐड किया, हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी। हमारा स्कूल ऐप चलता है, वो ऐप पे भी क्लास क्लैप ऐप है, उस पे भी हमने ऑनलाइन सारी बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल करवा दी है ताकि पेरेंट्स बच्चों को घर में पढ़ाएं। हमारी टीचर्स भी बहुत कोऑपरेट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि मून स्टार ग्लोबल स्कूल ने टीचर्स की सैलरी भी पूरी सैलरी दे दिया है मार्च अप्रैल में। किसी भी पेरेंट्स को हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि आपको हम स्कूल से निकाल देंगे, आपका हम उनको टाइम दे रहे हैं। आपके पास जब भी आएगा टाइम पैसा आप आकर फीस पे कर सकते हो, हम यहाँ पर बैठे हैं। किसी को कोई फोर्स नहीं किया हमने, कुछ नहीं। और जो पेरेंट ने मीडिया वाले को बुलाए हैं वो पेरेंट की पूरे साल भर की फीस बाकी है, लेकिन मून स्टार ग्लोबल स्कूल ने उस पेरेंट को उस बच्चे को स्कूल से ना निकाला है ना उसकी स्टडीज कम कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पेरेंट को सारा सपोर्ट किया है, बट फिर भी अगर वो पेरेंट ये चीज कर रहे हैं तो हम इस चीज के लिए बहुत ही हर्ट हुआ है हमको कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।